नवी मुंबई नेटवर्क। डोर के जो चार फ्रेम थे, बाकी ऊपर के फ्रेम थे, अंदर के फ्रेम थे, उसमें से 168 ये जो पैकेट्स मिले हमको। ये हीरोइन है, मॉर्फिन है, ये कीमत करीब 363 करोड़ के आसपास है। बेहद फिल्मी अंदाज में ड्रग्स का कारोबार करने वाले एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के प्लानिंग का नवी मुंबई पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नवी मुंबई पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े, पंजाब पुलिस अपर पुलिस महासंचालक कुलवंत कुमार सरंगल, सह आयुक्त जय जाधव, AHTU अपराध शाखा सहायक पुलिस आयुक्त शैलेश फसलवाड़ के नेतृत्व में हुए एक जॉइंट ऑपरेशन में JNPT नावाशेवा पोर्ट ट्रस्ट से एक मार्बल के भरे कंटेनर के दीवार के फ्रेम में छुपाए 72 किलो 518 किलोग्राम वजन के करीब 168 पैकेट हेरोइन बरामद करने में नवी मुंबई पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 363 करोड़ रुपया की जा रही है। आगे की जांच के लिए फिलहाल SIT टीम का गठन किया गया है। इसी की जानकारी पत्रकार परिषद में पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने दी। बहुत सारे जितने भी एजेंसी जो काम करती है, इसमें इन्फॉर्मेशन सबको कहीं कहीं से मिलता रहता है, तो पंजाब पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन मिला और भी जगह से हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों ने भी इकट्ठा किया, तो ये सब करके हमने उसको डेवलप किया। और हमारी जो टीम है क्राइम ब्रांच की, ये ऑफिसर्स और उनके जो स्टाफ है, उसमें लोगों ने बहुत मेहनत किया। उसके बाद में जा करके ये जो कंटेनर है, जिसमें जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन था कि शायद ये किसी भी कंटेनर में कहीं से आया, हज़ारों कंटेनर आते रहते हैं, JNPT में बहुत सारे कंटेनर आते रहते हैं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन निकालना करना और इसमें इसको लोकेट करना कहाँ पे है, किस CFS में है, और फिर वहाँ पे कंटेनर को जब देखा गया तो उसमें तो सिर्फ मार्बल जो पत्थर है वो कटिंग करके था, लेकिन फिर भी हमारी इन्फॉर्मेशन और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में जो चीज़ें हमारे जो आ रही थी, उससे हमको लगा कि शायद ये इसको 6 महीने से वहाँ पे पड़ा हुआ अनक्लेम्ड, जिसने जिसका कंसाइनमेंट है वो क्लेम नहीं करता है, तो बहुत सर्कमस्टांशियल उसमें एविडेंस भी था और ये सारा जो एक शक आया उस पर, तो बाद में हमारे लोगों ने कंटेनर पे और दोबारा उसकी जा करके उसकी वो है सर्च किया, फिर बाद में उसमें ऐसा हुआ कि कोई कैविटी है इसके अंदर क्या, तो पता लगा कि वो जो फ्रेम वगैरह बने हुए हैं वो शायद जो है वो सिलेंड्रिकल पाइप के फ्रेम्स हैं, तो उसमें डाउट आया कि शायद इसमें हो सकता है। तो 6 महीने से कंटेनर वहाँ पड़ा हुआ था, उसको और भी लोगों ने, एजेंसियों ने चेक किया था, अब फिर बाद में वो फ्रेम चेक करके उसको कटिंग किया, उसके बाद में जितने भी ये 6-7 फ्रेम कट किए, वो सारे डोर के जो चार फ्रेम थे, बाकी ऊपर के फ्रेम थे, अंदर के फ्रेम थे, उसमें से 168 ये जो पैकेट्स मिले हमको, और उसमें वो 10-10 इंच के पैकेट है, लंबे 2 इंच ऊँचे होंगे, और उसमें पाउडर जैसा ऐसा हमको कुछ मिला, उसको फिर हमारे जो फोरेंसिक, हमारी जो नारकोटिक ब्रांच की जो टीम है, उन्होंने उसको टेस्ट किया अपने किट से, फिर हमने FSL फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, उनके जो एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाया हमने, उन्होंने भी चेक किया, फिर उसमें पता लगा कि जितने भी सैंपल चेक किए उसमें ये हीरोइन है, मॉर्फिन है, और टोटल इसकी जो इसका जो वज़न है टोटल वो करीब 72 किलो 518 ग्राम है, मतलब 72 किलो से ज़्यादा है, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी जो कीमत है, ये कीमत करीब 363 करोड़ के आसपास है। हमने जो हमने आज 7 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में चलता है, तो हमने लोअर पकड़ा उसको 5 करोड़ के हिसाब से, तो वो 363 करोड़ है, और अगर हम हायर पकड़ते हैं तो करीब 500 करोड़ के ऊपर जाता है इसकी वैल्यूएशन। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। डू यू एस्पायर टू अपग्रेड योर लिविंग विद अरिहंत अद्विका, सेक्टर 9, वाशी? Upgrade to iconic residential tower.